So we're back for round four of the maddest game show ever. It's bigger, better and crazier. The prize, as I mentioned before, is 1 million. The guy racing towards that prize very quickly is Gujju Boy, who's won three rounds now against very difficult opponents. But unko challenge dene aaye hain hamare pahadi ladke. So, kafi zyada enthusiasm ke saath show mein aaye hain. आपको कैसा लग रहा है? आपने कभी सोचा था आप यहाँ पे मेरे शो पे आ पाएंगे? आपकी ज़िंदगी की ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, मुझे वो बताएं। ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपके शो पे आना, और पूरी कोशिश करूँगा कि पार्थिव भाई को हराऊँ और जल्दी फ्री करूँ उन्हें। तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे हमारे ओपोनेंट्स और मुश्किल आएंगे। तो आई होप कि गुज्जू बॉय अपनी गेम उतनी ही शार्प रखेंगे और जो हमारे पहाड़ी लड़के हैं वो उनको हरा सके। मेरी दिल से एक ख्वाहिश है कि ये हार जाएं और ये घर जाएं। तो आपके पास आंसर है, आप आंसर चूज करिए और क्वेश्चन में आपको रिवील करूंगा। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। वाह, जवाब रेडी है। एक का है गली क्रिकेट, एक का है टेनिस। क्या बात है। क्वेश्चन है, राफेल नडाल कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? हमारे गुज्जू भाई को लगता है कि नडाल जी गली क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने गली में बहुत सारे स्लैम्स जीते। पर पहाड़ी जी आए हैं और पहला ही सवाल सही दिया है जवाब। तो 1-0 लीड हो गई है। प्रेशर एकदम मिस्टर गुज्जू भाई के ऊपर आ गया है, अपना दिमाग इनको लगाना होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने है, जवाब आपके पास है, अपना जवाब चूज करिए फिर मैं क्वेश्चन रिवील करूँ। बहुत जल्दी में आंसर निकाले जा रहे हैं। अपना अपना आंसर अगर चूज कर लिया है तो उसे सामने लाएं। अरे वाह, ट्रम्पेट, रूफ, शाबाश। सवाल ये है कि पायलट एरोप्लेन में कहाँ बैठते हैं? पहाड़ी लड़के ज़्यादा उत्सुक हो गए मुझे लग रहा है एक सवाल ठीक लेके। इन्होंने ट्रम्पेट में बिठाया और हमारे गुज्जू बॉय ने छत पे बिठा दिया। ऊपर बैठेंगे तो चला नहीं पाएंगे। तो थेपला मत देना, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे सामने है, जवाब आपके पास है, अपना जवाब चूज करिए और कैमरा को दिखाइए। जी हाँ, जवाब दोनों के रेडी हैं। दोनों ने जवाब चूज किया है ब्लैक बेल्ट। सवाल यह है कि इनमें से कौन सी चीज मार्शल आर्ट्स में पाई जाती है? दोनों का जवाब सही है लेकिन अभी भी आप लीड कर रहे हैं 2-1 से, क्योंकि इन्होंने एक ही जवाब ठीक दिया, आपने दो दिए। 3 क्वेश्चन के बाद स्कोर है 2-1। सो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे सामने है, मेरे हाथ में है और आपके पास जवाब है, जवाब चूज करिए और कैमरा को दिखाइए प्लीज। जी हाँ, जवाब है डैनियल क्रेग और सलमान खान। क्वेश्चन ये है कि आखिरी इंसान जिन्होंने जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया था वो कौन है? इनका दिमाग बहुत ही तेज चलता है क्योंकि इन्होंने देख लिया वो एक ही नाम था उसमें से जो अलग दिख रहा था। आपने क्या बोला? सलमान खान। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बोले उठा रहा था मैं पहले बता। अच्छा हुआ नहीं उठाया। तो 5वां सवाल मेरे सामने है, जवाब आपके पास है, सोच समझ के सब जवाब देख के चूज करिए और दिखाइए कैमरा। जी, दोनों का जवाब है बिरयानी। सवाल यह है कि डोसा किसके साथ खाया जाता है? इनको डोसे से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ बिरयानी चाहिए। राउंड 4, 5 सवाल हो चुके हैं, स्कोर अभी भी 2-2। आखिरी क्वेश्चन का जवाब दोनों ने गलत दिया तो मेरे पास एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन है। बिरयानी खा के दोनों हमारे प्लेयर वापस आ चुके हैं और सवाल मेरे सामने है, जवाब आपके पास है, सही से चूज करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा और कैमरा को दिखाइए। जवाब दोनों ने निकाल दिए हैं, एक का है राजा हिंदुस्तानी और एक का है अशोका दी ग्रेट। सवाल ये है कि भारतीय इतिहास में
ग्रेट कहलाए जाने वाले सबसे पहले राजा कौन थे, और ये मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा सबसे सुनहरा पल है कि हमारे गुज्जू बॉय यहाँ से जाएंगे, खूब सारी बिरयानी खाइए, जाइए जाइए, आप निकल जाइए यहाँ से, बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, लेकिन हमारे पहाड़ी बॉय ने डोमिनेशन अपनी बना ली है यहाँ पे। तो राउंड फोर ऐसे ख़त्म हुआ, चैंपियन हमारे चेंज हो चुके हैं, गुजरात से पहाड़ तक आ चुके हम, और अभी आगे देखते हैं।